नीता शर्मा अपने फटाफट गार्डनिंग चैनल में आपका स्वागत करती है। जी हाँ, नई जगह नई बात। आज हम आए हैं मूंगतला गांव में और मूंगतला गांव के अंदर देख लीजिए आप ही बोर्ड पर आज हम आए हैं जी आयुर्वेदिक औषधालय में। आयुर्वेदिक औषधालय हमारा मूंगतला का अपने आप में अपनी पहचान रखता है। जी हाँ, आप पेशेंट का तहे दिल से इलाज तो करते ही हैं, लेकिन एक और बात खास खुशी की कि यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं और जो आप हैं श्री बागराम जी, ये बहुत ही तहे दिल से इन्होंने मैंने देखा कि यहाँ का गार्डन भी मेंटेन कर रखा है। जी कोरोना काल में आपके द्वारा कई सारी इस प्रकार की गिलोय की बेलें लगाई गई और उपहार में भी दी गई यहाँ के पेशेंट्स को, उसके बारे में भी बताया। दोस्तों चलिए, आज का टाइम है हमारे लिए काफ़ी कीमती, हम क्यों समय को यूं ही व्यस्त करें। तो चलिए, आज जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने इस ग्रीन टी को देख लिया और ग्रीन टी के बारे में चलिए आपसे कर लेते हैं बात। आहा, कितनी पत्तीदार, कितनी हरी हरी, कितनी सुंदर लग रही है। जी दोस्तों, जरूर जानते होंगे आप इस ग्रीन टी के बारे में। ग्रीन टी बहुत ही उपयोगी है। जी ग्रीन टी मोटापे को घटाने के लिए उपयोगी है। आज जब हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो इस ग्रीन टी के बारे में कौन नहीं जानता। जी सभी जानते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी के हो गई हो डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ को भी अगर किसी को रोकना हो तो वहीं थाम देता है यह हमारा ग्रीन टी। ये देखिए, ये यहाँ के सेवक हैं और बहुत अच्छा आपके द्वारा मैनेज किया गया है। ये देखिए, ये शतावरी का पेड़ है, ये आम का, नींबू, अमरूद और तरह तरह के गिलोय आदि के जो भी उपयोगी पौधे होते हैं, ब्राह्मी वगैरह यहाँ लगा रखी है। जी मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी सेवा और बहुत अच्छा है। तो चलिए, हम तो बात कर रहे हैं आज के लिए दिन इस ग्रीन टी की। जी आपको इसे पत्ते काट लेते हैं और पत्ते काट करके पानी के अंदर बॉईल करने होते हैं। बॉईल करके आप 4-5 पत्ते ले लीजिए और उसे बॉईल कीजिए। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा बॉईल ना करें, अन्यथा इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो कम हो जाएंगे और जो एंटीऑक्सीडेंट का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मार्केट के अंदर काफ़ी महंगी मिलती है यह ग्रीन टी। हम इसलिए इन्हीं की बात बता देते हैं कि किस प्रकार से उगाते हैं। देखिए, ये इसकी जड़ें हैं, जड़ों में से ही एक दो जड़ ले लेते हैं और दूसरी जगह आप रोप देते हैं। हमारे पास में अभी दिखाने के लिए थोड़ा सा कमी क्षेत्र है, लेकिन हम और भी जगह दिखाते हैं आपके द्वारा काफ़ी क्षेत्र में इस तरह से ग्रीन टी को तैयार किया गया है। दोस्तों आप भी अगर अपना करना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल कम, तो आज ही अपने घर पर